न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, एक एक फरियादियों की सुनी उनकी समस्याएं, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन, भरोसा पाकर लौटे फरियादी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय पुनर्जागरण यज्ञ एवं संत समाज विषय पर मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, मठ एवं मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ राष्ट्रीय भावना के कार्यों में उन्हें रहना चाहिए सबसे आगे। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हुए लखनऊ रवाना। गणेशोत्सव के समापन पर प्रशासन द्वारा बनाए गए पोखरे में किया जा रहा मूर्ति विसर्जन, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें हैं मुस्तैद। शाहपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोरों पर कसा शिकंजा, चोरी के 5 वाहन के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, सीओ गोरखनाथ परवीर सिंह ने खुलासा कर दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज के 24 अगस्त को ऑन एयर एक समाचार को कट पेस्ट कर किया गया वायरल, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे मामले पर स्थिति को किया स्पष्ट, कहा छेड़छाड़ कर वीडियो किया गया है वायरल, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में होने वाली समस्त प्रकार की रिक्तियों में आवेदन करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण को शासन ने किया अनिवार्य। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की 7 दिवसीय पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, निकाली गई शोभा यात्रा, दी गई श्रद्धांजलि। सैतीसवीं अंतर जनपदी 2019 पुरुष एवं महिला बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, आईजी ने किया उद्घाटन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ खेला उद्घाटन मैच। और गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित लीग मैच के 8वें दिन उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर ने धर्म स्पोर्टिंग को और फुटबॉल क्लब गोरखपुर ने वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब को हराया।